कर्मसी संस्था स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले 14 अगस्त को भव्य तिरंगा यात्रा निकालेगी। इस तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सम्मिलित होंगे। दोपहिया वाहन से निकलने वाली तिरंगा यात्रा में 30,000 से अधिक वाहन शामिल होंगे। तिरंगा यात्रा के आयोजक विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 14 अगस्त को विशाल तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में कोलार के मदर टेरेसा स्कूल से भैंसाखेड़ी तक 30 किलोमीटर लंबी ये यात्रा होगी। यात्रा के लिए वाहनों का पंजीयन किया गया है। अब तक 33,000 से अधिक दोपहिया वाहनों का पंजीयन किया जा चुका है। एक दोपहिया पर दो लोग सवार होंगे। इस तरह से दोपहिया वाहनों में सवार लगभग 65 से 70 हजार लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। आप सबको वंदे मातरम। 14 अगस्त को कर्मश्री संस्था एक विशाल तिरंगा यात्रा निकालती है। उस तिरंगा यात्रा में भोपाल के हजारों की संख्या में टू व्हीलर वाहन सम्मिलित होते हैं और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर मदर टेरेसा स्कूल से शुरू होकर बीमा कुंज, सरधरम पुल, चूना भट्टी, कुलार तिराया, मेनेट तिराया, माता मंदिर, रोशनपुरा, पॉलिटेक्निक, कमला पार्क और राजा भोज वीआईपी रोड होते हुए लाल घाटी और वहां से संत हृदयराम नगर दीनदयाल उपाध्याय गल्ला मंडी में जाकर समाप्त होती है। इस ये यात्रा भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको एक सौभाग्य की दिया है, क्योंकि पहले राष्ट्रीय ध्वज केवल सरकारी इमारतों पर और मंत्रियों के बंगले पर और गाड़ियों पर लगा करता था, लेकिन भारत में एक बात यह भी तय हुई कि भारत के जनमानस का राष्ट्रीय ध्वज है, इसलिए भारत के हर घर पर तिरंगा हो और इसलिए घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा इस अभियान के तहत जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, देश भर में ये अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।